शहर के सबसे पोस कहे जाने वाले मॉडल टाउन है जिला जेल के सामने। जिस तरह से हालात बदतर हैं, रेवाड़ी की व्यवस्था को आसानी से समझा जा सकता है। जन स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि 1.5 साल के दौरान 18 बार लोक निर्माण विभाग को पत्र भेजे जा चुके हैं, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं जब लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं, उनका कहना है कि उनका कोई काम पेंडिंग नहीं है, यह कार्य जन स्वास्थ्य विभाग का है। आरोप प्रत्यारोप दो विभागों के बीच चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लोग नार के जीवन जीने को मजबूर हैं, कहीं ना कहीं रेवाड़ी प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं। आखिर तमाम दावे किस आधार पर किए जाते हैं कि रेवाड़ी की व्यवस्था बेहतर हो रही है? जिला जेल की बात करें, यहाँ पर 4 से 5 धर्मशालाएं भी मौजूद हैं, करीब 20 से 25 रेहड़ी लगती है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। ऐसे में हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन प्रत्येक दिन होता है, आए दिन लोग घायल तक होते हैं, तमाम शिकायतें भी होती हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि जिस तरह से जन स्वास्थ्य विभाग व लोक निर्माण विभाग के अधिकारी एक दूसरे पर काम का ठीकरा फोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं दो विभागों के बीच आम लोग पिसकर रह गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सीवर का ओवरफ्लो पानी सड़कों पर बह रहा है, और इससे निकलने वाली गंध लोगों को बीमार ही नहीं, लोगों को घायल भी कर रही है, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाले लोग कई बार चोटिल हो चुके हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर लोग जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि रेड क्रॉस की बात करें, तमाम अधिकारियों को शिकायत की जा चुकी है, क्योंकि यहाँ पर रेड क्रॉस की दुकानें हैं, लोग रेड क्रॉस को इसके लिए शिकायत दे चुके हैं, लेकिन सुनवाई आज तक नहीं हुई। वहीं जब हमने लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता आदित्य देशवाल से बात की, तो उन्होंने कहा कि लाइन जरूर टूटी थी, लेकिन उसको दुरुस्त करा दिया गया, अब उनकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जब जन स्वास्थ्य विभाग से बात की गई, तो उन्होंने फोटो भी जारी किए और लेटर भी जारी किए। उन्होंने कहा कि एक लाइन शिफ्ट की जानी है, मौके पर पाइप पड़े हुए हैं, लेकिन यह कार्य लोक निर्माण विभाग को किया जाना है, पत्राचार भी लगातार किया जा रहा है। आसानी से समझा जा सकता है कि रेवाड़ी के हालात किस कदर खराब है। ऐसे में जो पीड़ित लोग हैं, डीसी अशोक कुमार गर्ग से मिलने की बात कह रहे हैं। बता दें कि डीसी अशोक कुमार गर्ग लगातार शहर का निरीक्षण कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में डीसी अशोक कुमार गर्ग पुरानी जेल के सामने भी पहुंचेंगे और जो ग्राउंड स्थिति है, जमीनी हालात है, उनको देखेंगे। आखिर उनके अधिकारी किस आधार पर बेहतरी के दावे करते हैं, अब देखना होगा कि जिस तरह से जल भराव है, लोग परेशान है, इसका समाधान कब तक होता है। अब आपको सुनाते हैं लोगों का क्या कहना है। मेरा नाम टेकचंद सैनी है जी। समस्या ये है जी, हमारे पुराने कोट रोड में हमारी रेहड़ी लगती है, हमारी शॉप भी है जो रेड क्रॉस की है, इनका 15-15 हज़ार रुपये किराया है जी। वो बताओ गंदे पानी में यहाँ लेटरिन बाथरूम इनका पानी आता ही है, इसमें आम जन लोग बाग आते जाते रहते हैं, हमारी दुकानदारी भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। अब हमने जैसे रेड क्रॉस में कहा, तो उन्होंने कहा कि हमने शिकायत दे रखी है। अभी सामने जो बिल्डिंग बन रही है, इन्होंने हमने इनसे भी कहा ठेकेदार से, वो उनको जल्द करवाएंगे। ये 3-4 जो पाइप है पीछे से, ये पीछे देखो काम चल रहा है, वो काम चलते चलते उन्होंने रुकवा दिया। ये हमने इनसे पूछा क्यों काम रुकवा दिया, बोला PWD वाले ने रुकवा दिया। एक बार पानी सूख गया था, पीछे से काम चालू करवाया तो PWD वाले ने कह दिया भाई हम ये हमारा डिपार्टमेंट काम है, हम करेंगे। हमारा ये वहाँ से जब से काम रुक गया, ये पानी पहले इकट्ठा होकर वहाँ जाता था और वहाँ पर ही फुल भरा पड़ा, भी ये रोड पर आ जाता है। धर्मशाला है जी, ये 3-4 धर्मशाला, इनके सीवर जो ब्लॉक हो जाते हैं, सारा पानी रेड के आके आता है। आने वाने जाने वाले को बहुत परेशानी है, और यहाँ पे कई बुजुर्ग तो गिर चुके हैं, यहाँ पे उनको चोटें भी आई हुई है। कमल, समस्या ये है कि आज पिछले 6 महीने 7 महीने हो गए, यहाँ का पानी नहीं उतर के दे रहा। अब PWD वाले के यहाँ जाओ तो वो कहते हैं जी तुम्हारा ठेकेदार ने तोड़ दिया, उनका काम है, और ठेकेदार पे बयाओ जो PWD का काम है, और गटर के अंदर बिल्कुल ये देखो सारा गटर जो है ये बंद पड़ा है बिल्कुल, और गटर उल्टा बैक मार रहा है, पानी इतनी तेज़ी से आ रहा है कि इतने लोग गिरते हैं। फिर क्या है, ये रेड़ी का मार्केट है, ये समझ लो कि किराया भाड़े देने मुश्किल हो रहे हैं। काम बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, ऊपर से बदबू, गंदगी, और उस टाइप की गंदगी भाई साहब जो आती चक्कर खा के गिर जाते हैं, ये हाल है, और कोई सुनवाई नहीं है। तो शिकायत हमने PWD में करी, PWD वाले कहते हैं ये ठेकेदार ने तोड़ा है, बिल्डिंग बनाने के चक्कर में ये बिल्डिंग बन गई सामने, और ठेकेदार ने तोड़ा है, वो बोला जी PWD वाले बनाएंगे, वो गया जो ठेकेदार बनवाएगा। अब ये चक्कर है कि हमारी ये मार्केट भी है सामने,
ये कौन सी मार्केट है? ये आपकी रेड क्रॉस मार्केट है। और 20-20 हजार रुपए रेड क्रॉस वालों का किराया, 18,000, 20,000, 17,000, 12,000, 15,000। भाई साहब इनके किराए हम कहाँ से निकालें? राजेंद्र समस्या भैया 6 महीना से ज़्यादा हो चुके हैं भैया, रेडी लगाते हैं यहाँ पे, गंदा पानी है नहीं, क्या काम करें फिर इसका? भैया कोई सलूशन नहीं हो रहा है पानी का, 6 महीने से ज़्यादा हो गए। पब्लिक मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान है, दुकानदार भी परेशान है, क्या करें क्या नहीं करें बताओ।